स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के निरसईसीएल मुंगमा क्षेत्र के खुदिया कोलियरी के बीपिंग लाइन में घटी घटना, 50 घंटे बीते। इस घटना के संबंध में जानकारी लेने आज पहुंचे कड़क उड़ीसा से गोताखोर को बुलाया गया है। वे खदान में फंसे मजदूरों की टोह में लगे हुए हैं। आज भी सभी यूनियन नेता निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, गौतम सेन गुप्ता, संजय महतो, पिंटू सिंह, मुन्ना सिंह के अलावा उपेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, जगदीश शर्मा, कार्तिक दत्ता, अगम राम, लल्लू ओझा, रामजी यादव उपस्थित थे और प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। इस बीच विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने सांसद पीएम सिंह को जानकारी दी कि ये घटना प्रबंधन की लापरवाही की है। इस पर श्री सिंह ने कहा कि अभी फंसे मजदूरों की जान बचाना जरूरी है, इनकी सलामती के लिए प्रयास अधिक महत्व है। घटना घटी है तो जांच के बाद ही जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई होगी। समाचार लिखे जाने तक घटना के 50 घंटे बीत जाने के बाद भी खदान में फंसे पंप ऑपरेटरों का सुराग नहीं मिल पाया है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर निरसा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी एसडीपीओ विजय कुमार कुशवा, निरसा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सुभाष सिंह, सीआईएसएफ पुलिस बल व प्रबंधन की ओर से सभी अभिकर्ता, मैनेजर, उपकर्मिक पदाधिकारी मौजूद थे। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। फॉर डाइवर्स टीम है जो हेडेड बाय एक्स नेवी पर्सन, एक्स नेवी में थे, इंडियन नेवी में। कितनी लोगों की टीम गई है सर अंदर रेस्क्यू के लिए? यार ये अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेट द पर्संस कम आउट। ओके सर, कटक से भी टीम आने वाली थी, वो ही गई हुई है, दे हैव गॉन इनसाइड। वो हमारी एक रेस्क्यू टीम है और कटक से जो आई हुई टीम है वो साथ में गई है। क्या नाम हो गया आपका? रुस्की में जान। अंदर जो खदान के अंदर जो फंसे हुए हैं वो कौन लगते हैं आपके? परिवार। परिवार, क्या नाम है उनका जो फंसे हुए अंदर? इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं जो अंदर फंसे हुए हैं? उसको निकालना बोल जोड़ हाथ पूरे बोलती सर, जो मन अमर भालू नहीं मिचे, जो मन अमर भालू उठे जाए। और क्या बोलना चाहते हैं? और की बोलबो, जो मन भालू नहीं मिचे, अमर भी मन भालू तुलो उठे जाए। परिवार में कौन कौन है? एक तो लड़की, हाँ बेटी है। अभी अच्छी पहल हुई है, उड़ीसा से आए हैं रेस्क्यू वाले और वह अंदर गए हुए हैं। अंदर आने के बाद यह सारा विषय पर जांच निश्चित रूप से होना चाहिए और जांच की मांग भी करता हूं कि पानी का कब डीजीएमएस का यहां पर इंस्पेक्शन हुआ, माइन सेफ्टी ऑफिसर होंगे, माइनिंग सरदार है जिसको अगर दीवार अगर वह ठोकने से ही उन लोगों को पता चल जाता है कि यार कमजोर है कि मजबूत है। माइनिंग सरदार को इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, ओवरमैन को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर बगल में पानी हो और अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स पिलर मजबूत कि वह दूसरे साइड का पानी नहीं आ जाए। हम लोग खदान में गए नहीं हैं इसलिए इस बात को कह भी नहीं सकते कि हाँ वह पिलर टूटा कि नीचे से पानी आया, यह सारा विषय जांच के बाद ही पता चलेगा। की जिम्मेवारी है कि जो सेफ्टी माइंस है, सुरक्षित खदान है, उसी पर काम करने के लिए अनुमति देना। ऐसा नहीं है सुरक्षित खदान को तो निश्चित रूप से यह सारा विषय जांच के दायरे में है। अभी हम लोगों का उड़ीसा से जो मेरिन ड्राइव की टीम आई है, 5 सदस्य टीम वो नीचे चली गई है, उसके साथ रेस्क्यू कवर करने के लिए रेस्क्यू की टीम है और एक स्टैंड बाई टीम है। इन लोगों का मेन काम है कि जिस जहां पर प्रोबेबल बैठने का जगह था उनका, पंप खलासी का जो दो मिसिंग है, उनको सर्च करके पानी में निकालना। उसके पास सभी संसाधन हैं और वो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे इसकी कामना करते हैं। क्या लगता है सर, पिछले 36 घंटा ज़्यादा समय हो गया, अभी तक किसी तरह का उसको सफलता नहीं मिला है, आपको लगता है कि? एक्चुअली पहले तो
पानी का हम लोग देख रहे थे रफ्तार, वैसे में डेंजर में किसी को डालना ठीक नहीं था, और एक्सप्लोरेटरी वर्क चल रहा था कि हो सकता है वो आदमी भाग करके कहीं छिप गया हो या बेहोश हो गया हो, लेकिन वो सर्च अभियान कल तक पूरा चला और 8 रेस्क्यू की टीम पिछले 24 घंटा में सर्च अभियान के दौरान। एक आखिरी सवाल सर, जो परिजन है या फिर यूनियन नेता है, उन लोगों का सीधा आरोप है सीएल प्रबंधन पर कि बलि चढ़ा दिया गया मजदूर का, कि उसमें आप कितना सही मानते हैं उनके इस आरोप को? हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि जहां पर 4 आदमी थे उसमें 2 आदमी भागने में सफल हुआ है और 2 आदमी ट्रैप हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं, प्रबंधन दोनों के लिए बराबर ही था, चाहे जो आदमी सफल हुआ भागने में उसके लिए भी और जो ट्रैप हुए उसके लिए भी। इसलिए चूँकि पानी की ऐसी समस्या है खदानों में जो अक्सर कुछ कभी हुआ करते हैं, और इसके लिए ज़रूर निश्चित रूप से ये दुख की बात है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि उसके परिवार के प्रति सहानुभूति है, समाज के प्रति सहानुभूति है, और हम चाहेंगे कहाँ कमी लगता है, कहाँ गैप रहेगी, आपको क्या लगता है इसमें गैप का? चूँकि नेचुरल इंडस्ट्री है ये, बहुत कुछ नेचर पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो एक सिम से जब दूसरे सिम में पानी आते हैं, और पहले अगर जो ओल्ड वर्किंग्स हैं जिसमें कहीं पर पार्टिंग हम समझते हैं कि ये 6 मीटर होगा प्लान के अनुसार से, वो पार्टिंग रूफ के डिटोरेशन के चलते कम हो जाती है, जहाँ जहाँ पर जंक्शन पर कभी किसी कारण से फॉल हो जाने के बाद जो पार्टिंग हो सकता है कि उस जगह कम रह गया होगा, और पानी जब बढ़ा है तो उसके चलते वाटर का जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसके चलते फॉल होकर के ज्वाइन होने की संभावना बन सकती है, इसलिए कि नीचे का पानी घटा है और ऊपर के सीम में पानी बढ़ा है। निश्चित रूप से हम लोगों के नए इंस्ट्रूमेंट सब मॉडर्नाइज हुए हैं और इसमें हम चाहेंगे कि साइंटिफिक स्टडी के जरिए जितने भी हिडन बोर होल्स हैं जिसका कि कभी नक्शा में सत्यापन नहीं हो पाता है, मिसिंग रह जाते हैं, तो एक संयुक्त कमेटी बना करके सर्वे प्लान का, ओल्ड प्लान का, या ओल्ड आदमी जो रिटायर कर गए हैं उनसे सलाह ले करके, पर सबसे पहले इसमें ज़रूरी होगा कि प्लान्स वगैरह को आपको। आप कहाँ से आए? सिरपुर गया। यहाँ पर कौन थे ये जो आपके जो अंदर में फंस गए हैं? मेरा स्वामी है। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? हमारा स्वामी की चाहिए और की चाहिए, स्वामी के चाय खादर खुज जूता मजाक ला खुजे बोलिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ का मैनेजमेंट? खुज जे वाला बोल रहे हैं, खोज नहीं रहे। आपके कितने लड़के हैं? दूटा। क्या नाम है दोनों का? एक तो शीतल, एक तो मित्र। आप यहाँ पर नहीं रहते थे ना? ना, आप बाहर ही रहते थे। बाहर कहाँ? गाँव में रहता है, शिवपुरिया, वहाँ से डिग्री आता था। धन्यवाद।